कोरोना महामारी के बीच अब देश में काली बीमारी का खतरा ब्लैक फंगस से जारी है 50% जान। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़े, लोगों की जा रही है आंखों की रोशनी। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस के चलते 8 लोगों की गई रोशनी, कोरोना के इलाज के दौरान ही गई आंखों की रोशनी। यूपी, एमपी और बिहार में भी काली बीमारी का कहर, सीएम योगी ने ब्लैक फंगस पर तैयारियों की रिपोर्ट मांगी। मथुरा में कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का अटैक, आंखों से दिखना हुआ बंद। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 50% मामले, गरीब मरीजों के इलाज में शासन करेगा सहयोग। छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस की एंट्री, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा छत्तीसगढ़ में 20 से ज्यादा मरीजों में ब्लैक फंगस की पहचान। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के 5 मरीज, IGIMS में भी एक का चल रहा इलाज, आंखों तक फैला संक्रमण और नाक की हड्डी भी गल गई। हरियाणा में भी जाल फैलाने लगा ब्लैक फंगस, अब तक 40 से ज्यादा मरीज पाए गए। कोरोना महामारी के बीच यूपी के गाजीपुर में प्रशासन की पहल, शवों को गंगा नदी में नहीं बहाने की अपील। गाजीपुर के डीएम ने घाट पर माइक से की अपील, प्रशासन करवाएगा अंतिम संस्कार। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी में मिला संदिग्ध कोरोना मरीज का शव, गंगा के किनारे प्रशासन ने किया दाह संस्कार। बिहार के बक्सर में गंगा नदी में फिर से मिले शव, गंगा नदी में लगे महाजाल में फंसे 5 शव। बक्सर जिला प्रशासन ने 5 शवों को दफनाया, 24 घंटे नाव से गंगा में हो रही है पेट्रोलिंग। देश में कोरोना संक्रमण के केसेस में फिर आई तेजी, 24 घंटे में कोरोना के 3,62,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। लगातार दूसरे दिन देश में मौत का आंकड़ा 4,000 के पार, 24 घंटे में देश में 4,120 लोगों की मौत, नए केस और मौत के मामले में पहले नंबर पर है भारत। दिल्ली में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में 300 मरीजों की मौत हुई, संक्रमण की दर घटकर करीब 17% हुई। जर्मनी में भारत पहुंची मेडिकल सहायता, ग्रीस फिनलैंड से भेजी गई मदद, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, दवाइयां और वैक्सीन मौजूद। दिल्ली के दरियागंज मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। महाराष्ट्र में फिर बड़ी कोरोना संक्रमण की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 40,781 नए मामले, 816 लोगों की गई जान। मुंबई में भी संक्रमण और मौत का आंकड़ा बढ़ा, मुंबई में 2,000 से ज्यादा नए मामले और 66 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,998 मामले आए सामने, 517 लोगों की गई जान। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,529 नए मामले सामने आए, जबकि 95 लोगों की मौत हुई। झारखंड में एक साथ 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, झारखंड सरकार ने 27 मई तक लगाया सख्त लॉकडाउन। दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों को अब किया जाएगा क्वारंटीन, 7 दिनों तक क्वारंटीन किए जाएंगे बाहर से आने वाले लोग। शिमला में लॉकडाउन के दौरान सख्ती, कोरोना प्रोटोकॉल के साथ आने जाने वाले वाहनों की भी की जा रही है चेकिंग। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का साइड इफेक्ट, बच्चों की आंखें यहां पर खराब होती नजर आ रही है। लॉकडाउन का बच्चों पर सबसे ज्यादा असर, बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा प्रभाव। हरियाणा के करनाल में 5 मिनी बस को एम्बुलेंस बनाया गया, कोरोना मरीजों को इससे राहत मिल सकी। आज वाराणसी पहुंचेगा 40 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन, बंगाल के दुर्गापुर से आ रही है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत, कोरोना मरीजों को इससे राहत मिल सकेगी। मध्य प्रदेश के हरदा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ा गया युवक, 15,000 रुपए में बेचता था रेमडेसिविर इंजेक्शन। तमिलनाडु के मदुरई में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए प्रदर्शन, बड़ी तादाद में लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कोरोना की दूसरी लहर को हराने के लिए एक्शन में पीएम मोदी, 20 मई के बाद देश के सभी डीएम से पीएम मोदी बारी बारी से करेंगे बात। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, 1:00 PM बुलाई गई मीटिंग, कोरोना से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। वैक्सीनेशन पर डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, कहा राज्यों को दी जा रही 50% वैक्सीन, दुनिया में सबसे तेज भारत में हो रहा है वैक्सीनेशन। भारत में जल्द आएगी कोरोना की एक और वैक्सीन, भारत बायोटेक ने तैयार कर रही है नेजल वैक्सीन, नाक में ही मार देगा वायरस। अगस्त महीने से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाएगी दोनों कंपनियां, 10 करोड़ डोज हर महीने बनाएगा सीरम इंस्टीट्यूट, 7,80,00,000 वैक्सीन बनाएगी भारत बायोटेक। देश में कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाने और जरूरी उपकरणों की सप्लाई को लेकर पीएम मोदी को दी गई जानकारी। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, बड़े पैमाने पर मुफ्त वैक्सीनेशन करने की मांग। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नसीहत, कहा दूसरी लहर में काफी कुछ गवा चुके हैं, स्वास्थ्य परियोजनाओं को जल्द पूरा किया जाए। कोरोना महामारी को लेकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, लिखा बार बार दुखद समाचार आते जा रहे हैं, बुनियादी समस्याएं अभी तक सुलझाई नहीं गई।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना को बताया शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा, कहा भारत तेजी से वैक्सीनेशन करने वाले देशों में से है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत, भरोसेमंद वैक्सीन निर्माताओं की करेंगे मदद। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर लगातार जारी, बीते 24 घंटे में 20,377 नए मामले सामने आए, जो कि 135 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई। कोरोना को लेकर सीएम योगी सख्त, सीएम योगी आज आगरा, मथुरा और अलीगढ़ का करेंगे दौरा। कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए यूपी सरकार की कवायद, हरमंडल में बच्चों के लिए आईसीयू बनाने का निर्देश दिया गया। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,125 नए मामले आए सामने, वहीं 26,712 लोग हुए डिस्चार्ज। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए, लेकिन रिकॉर्ड 329 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 7,749 नए मामले आए सामने, जबकि 109 लोगों की गई जान। जालौन के उरई सरकारी अस्पताल के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला, डॉक्टर्स पर कोरोना मरीज की आंख और किडनी चुराने का आरोप लगा। जयपुर में कोरोना महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर सर्वदलीय बैठक, राज्यपाल ने तीसरी लहर की रोकथाम के लिए अभी से तैयारी की बताई जरूरत। गहलोत मंत्रिपरिषद का अहम फैसला, वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर किया जाएगा जारी, नर्सेस का पदनाम बदलने की मांग पर भी मुहर लगाई गई। राजस्थान में वैक्सीन को लेकर राजनीति जारी, बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ग्लोबल टेंडर का उठाया मुद्दा। जयपुर में खत्म हुई वैक्सीन, आज नहीं होगा बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी, बीते 24 घंटे में 164 लोगों की हुई मौत, 16,384 नए मामले आए सामने, जयपुर में मिले सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस। राजस्थान के भरतपुर में वेंटिलेटर को निजी अस्पताल को किराए पर देने का मामला, पीएम केयर्स फंड से पिछले साल दिया था वेंटिलेटर, राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राजसमंद में हैवानियत की हदें पार, अनंता हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित शव से निकाले हैं, परिजनों ने किया हंगामा। राजस्थान में मजदूरों के सामने फिर से खड़ा हुआ रोटी का संकट, लॉकडाउन लगने से पलायन को मजबूर हुए मजदूर, सैकड़ों किलोमीटर कर रहे हैं पैदल यात्रा। एमपी में नकली रेमडेसिविर पर सीएम शिवराज, सख्त अधिकारियों से कहा किसी भी कीमत पर नहीं बचे नर पिशाच, ये सिर्फ नकली इंजेक्शन का नहीं बल्कि हत्या का मामला। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था, सीएम भूपेश बघेल ने लॉन्च किया सीजीटी का पोर्टल, बिना मोबाइल के भी हो सकेगा रजिस्ट्रेशन। राजनांदगांव में वैक्सीन खत्म होने से रुका, 18 साल से ऊपर एपीएल कैटेगरी का वैक्सीनेशन, अभियान की धीमी रफ्तार पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का वार, ट्वीट कर मांगा भूपेश सरकार का इस्तीफा। दारुल उलूम देवबंद ने ईद उल फितर की नमाज को लेकर जारी किया फतवा, इमाम सहित तीन से पांच लोग ही नमाज अदा करें। हरियाणा में बीते 24 घंटे में 12,490 लोगों में हुई कोरोना संक्रमण की पुष्टि, वहीं 14,000 से ज्यादा लोग हुए थे, 165 मौतें दर्ज। उत्तर प्रदेश की अमेठी में लॉकडाउन का पालन कराने में जुटे पुलिस ने युवक पर बरसाई लाठी, युवक को पुलिस ने दुकान से खींचकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की बिगड़ी तबियत, रोहतक पीजीआई में कराया गया भर्ती, फिलहाल नहीं हुई कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि। कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में नर्स ने किया बॉलीवुड गाने पर डांस, कोविड वार्ड में डांस किया गया। बिहार में बीते 24 घंटे में 9,863 कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 19 अप्रैल के बाद 10,000 से नीचे आंकड़ा। बिहार में होम आइसोलेशन पर गए 27,000 स्वास्थ्य संविदाकर्मियों पर कार्रवाई, सरकार ने दिया एफआईआर दर्ज करने का आदेश, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा स्वास्थ्य कर्मियों से हो रही है बात। पटना हाईकोर्ट में कोरोना महामारी पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने गंगा में शवों को लेकर राज्य सरकार को किया जवाब तलब, विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से की हौसला और धैर्य बनाए रखने की अपील, कहा महामारी से राहत पहुंचाने के लिए उठाए गए हैं कई कदम, बढ़ाई गई है जांच और आधारभूत संरचना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो नक्सली मारे। मेरठ में लॉकडाउन के दौरान पत्नी का कत्ल, शराब के नशे में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को तीसरी मंजिल से फेंक दिया। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 2021 में 7.5% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ। कोरोना महामारी के बीच अप्रैल में घटी खुदरा मुद्रा स्फीति, मार्च में थी 5.52%। देश की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा फेरबदल, एचडीए फंसी बैंक दूसरे स्थान से फिसलकर तीसरे नंबर पर पहुंचा, तो वहीं एसबीआई म्यूचुअल फंड का पहले नंबर पर कब्जा बरकरार। अब चीन से भी भारत आ सकेगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, चीनी एयरलाइंस की कार्गो सेवा पर लगी रोक हटा दी गई। राजस्थान रॉयल्स के लिए बुरी खबर, आईपीएल 2021 के बचे मैच होने पर नहीं खेलेंगे बेन स्टोक्स। पंड्या को इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की टेस्ट टीम में नहीं किया गया शामिल, पीठ की चोट के कारण गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं हार्दिक पंड्या।
ग्रेग चैपल ने राहुल द्रविड़ की तारीफ की, कहा राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई ढांचे से सीखा और भारत के लिए खिलाड़ियों का ठोस पुल तैयार किया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके तलवारबाज भवानी देवी ने किया खुलासा, कोरोना संक्रमित मां के लिए तैयारियां छोड़ना चाहती थी लेकिन मां ने उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने कोरोना रिलीफ का टारगेट बढ़ाया, पहले था 7 करोड़ रुपए का टारगेट जो अब बढ़ाकर 11 करोड़ रुपए कर दिए गए। आज रिलीज होगी सलमान की फिल्म राधे, फिल्म थिएटर पर नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। दिशा पाटनी ने सलमान खान के साथ अपने किस सीन को लेकर कहा, जो डायरेक्टर कहते हैं वो करना पड़ता है। सलमान खान की राधे में दिखेंगे बिग बॉस विनर गौतम गुलाटी, कई लोगों को सलमान खान दे चुके हैं काम। हार्दिक पंड्या ने वाइफ पर नताशा संग शेयर की रोमांटिक तस्वीरें, हो रही है वायरल, दोनों अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर रहते हैं चर्चा। रवीना टंडन ने शेयर की नीतू ऋषि की शादी की फोटो, बोली बायोग्राफी के लिए चिंटू अंकल ये तस्वीर काफी लंबे समय से ढूंढ रहे थे। मोनालिसा ने कराया ग्लैमरस फोटो शूट, सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है मोनालिसा की तस्वीर। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। इसराइली टीवी स्टेशन पर फिलिस्तीन के रॉकेट दागने के बाद की तस्वीरें आई सामने, बस में आग लगने के बाद 3 लोगों के झुलसने की खबर। गाजा ने तेल अवीव पर 130 रॉकेट दागने का दावा किया, बदले में इसराइल ने भी दागे रॉकेट जिसने गाजा में एक टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। कोरोना काल में अगर पार्टी में खलल पड़ जाए तो गुस्सा आएगा ही, ये शख्स जैसे ही टेबल से टकराया दूसरा शख्स आग बबूला हो गया। स्टंट के साथ नाले को पार करना, दोस्तों के इस झुंड को भारी पड़ गया, कार तो आगे चली गई लेकिन एक दोस्त जमीन पर चारों खाने चित्त हो गया। कोरोना काल में घर से बाहर जाने की आदत ही जैसे खत्म हो गई है, रात को घर वापस लौटने पर महिला अपने ही घर के दरवाजे से टकरा गई। स्पीड इतनी कि कार के परखच्चे उड़ गए, मोड़ पर अनियंत्रित होकर कार पेड़ से ऐसे टकराई कि टुकड़े टुकड़े हो गए। आराम से दोनों दोस्त घर में चिल कर रहे थे तभी अचानक ना जाने क्या हुआ कि बिस्तर सहित वो करीब 2 फीट हवा में उछल गए। लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट मिलने पर जनाब निकल पड़े घर से जरूरी सामान लाने, घर से दूसरे प्राणी भी इनके साथ चल पड़े हैं मदद करने। पैरों पर 2 बॉल रखकर 4 बॉल से जमीन पर लेट कर ये महिला शानदार जगलिंग कर रही है, स्पीड के साथ साथ कमाल का बैलेंस। कमाल का बॉडी आर्ट कलाकारी के साथ रंगों में लिपटे शरीर ऐसी आकृतियां बना रहे हैं मानो सचमुच जंगल की ही तस्वीर हो। और बाढ़ का ऐसा कहर शायद ही आपने पहले देखा होगा, पानी का बहाव इतनी तेज कि घर दुकान और बाजार सब बह गए।